हे गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज आकाश, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट कैटेगरी फॉर इंस्टाग्राम। काफ़ी सारे लोग के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि हम कौन सी कैटेगरी लगाएं जिससे हमारा अकाउंट ग्रो हो जाए, हमारा चैनल ग्रो हो जाए। काफ़ी सारे लोगों से आपने सुना होगा कि भाई आप कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट की हो अपने चैनल में जिससे आपका चैनल ग्रो हो रहा है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई आपने अपने इंस्टाग्राम में कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट किया है जिससे आपका अकाउंट ग्रो हो रहा है। तो मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, कैटेगरी के बारे में कि आपको कौन सा कैटेगरी लगाना पड़ेगा जिससे आपका अकाउंट ग्रो हो जाए। और दिखाऊंगा भी कि बड़े बड़े क्रिएटर कैसे यूज करते हैं कौन सा कैटेगरी अपने हिसाब से, और उसे आप भी यूज करोगे तो आपका भी अकाउंट ग्रो होने वाला है। जैसा कि मैं बता दूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है ऑलरेडी कैटेगरी के बारे में, उसमें भी काफ़ी अच्छा मैंने बताया है और अभी भी वो वीडियो चल रही है, तो आप उसे आई बटन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो मैं पहले वीडियो में भी बताया था कि जो पब्लिक फिगर आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, जो जो लोगों ने किया होगा तो ठीक है, लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि आपको क्यों करना है ये कैटेगरी और क्यों नहीं करना है। देखो, पब्लिक फिगर जो कैटेगरी होता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं साइड में मिस्टर बीस्ट, आपने सुना होगा ना, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो ये जिस तरीके का कंटेंट बनाते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, यानी कि वो पब्लिक देखना चाहते हैं, जो यूट्यूब पर डालते हैं उस तरीके का वो इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करते हैं, तो उन्होंने पब्लिक फिगर इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि उनकी पूरी पब्लिक देख सके, ठीक है। मतलब कि कोई कैटेगरी उसमें नहीं होता है कि जैसे कोइट हो गया, म्यूजिक हो गया, डिक्टेट क्रिएटर हो गया, ये सब चीज़ें उसमें नहीं आता है जो आप पब्लिक फिगर सेलेक्ट करते हो। पब्लिक फिगर का मतलब ये है कि आप कोई भी कंटेंट डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, पब्लिक फिगर सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप उसमें कभी भी मिक्स कंटेंट मत डालो, पकड़े हो तो एक ही कैटेगरी पर डालो, ठीक है, मतलब कि एक ही नीच पर डालो, ओके। तो एक ही नीच पर डालना है तो आप पब्लिक फिगर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट ने किया है और इनके भी व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, और मैं भी यही सेलेक्ट करके रखा हूँ पब्लिक फिगर। और ज़्यादातर मैं ट्राई किया हूँ कि कुछ लोग के अकाउंट में पब्लिक फिगर सेलेक्ट करता हूँ तो उनके व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइड में एक अकाउंट है जिसमें डिजिटल क्रिएटर है। अगर आप कोई डिजाइन या क्रिएटिव या फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या कोई आर्ट वगैरह बनाते हैं तो उन लोगों के लिए डिजिटल क्रिएटर बेस्ट रहेगा कैटेगरी, तो आप डिजिटल क्रिएटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई वीडियोज या कोई मेकिंग वगैरह, इस तरह क्राफ्ट वगैरह, ये सब चीज़ों की वीडियो बनाते हैं तो आप डिजिटल क्रिएटर सेलेक्ट कर सकते हो। और वीडियो क्रिएटर कौन सेलेक्ट करता है, इनके लिए मैं आपको बताता हूँ वीडियो क्रिएटर कैटेगरी कौन से लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, वीडियो क्रिएटर उन लोगों के लिए है जो म्यूजिक पर वीडियो बनाते हैं या ऑडियो वीडियो बनाते हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग पर वीडियो बनाते हैं, डांस करते हैं, ये सब, ठीक है। और अगर आप स्टेटस वगैरह डालते हैं तो इन सब के लिए भी यही वीडियो क्रिएटर ही चलेगा, ठीक है। और अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो आप भी यही करिए, वीडियो क्रिएटर ही सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखते होंगे कि जैसे मिस्टर फैजू हो गया, रियाज हो गया, तो ये लोग ज़्यादातर वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट किए रहते हैं। तो अगर आप डांस वगैरह वीडियो अपना खुद का बनाते हैं या कोई भी डांस वगैरह डालते हैं, वीडियो डालते हैं, सॉन्ग डालते हैं, स्टेटस डालते हैं, तो ये सब के लिए वीडियो क्रिएटर ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब इसके बाद आता है कोट वाला। अगर कोई कोट डालता है, पोस्ट डालता है, शायरी डालता है, इस तरीके का नीच का जो वीडियो डालता है या कोट डालता है, पोस्ट डालता है, तो इन लोग के लिए एक ही चीज़ है कि आप राइटर ही सिलेक्ट करो हमेशा, ठीक है, राइटर ही बेस्ट रहेगा। कोट वाला सबसे अलग होता है, इसलिए उसमें आप लोग राइटर ही सिलेक्ट करो, क्योंकि देखो राइटर कैटेगरी ही ऐसी बनी है कि आप उन लोगों के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैंने आपको पब्लिक फिगर के बारे में बताया कि आप पब्लिक फिगर एक नीच पर कोई भी वीडियो बना रहे हो अच्छे से तो आप डाल सकते हो। अगर आप यूट्यूब पर भी डालते हैं, इंस्टाग्राम पर भी अच्छे अच्छे कंटेंट डालते हैं कुछ नॉलेज का, तो आप पब्लिक फिगर डाल सकते हैं कोई नॉलेज वाले वीडियो अगर आप बनाते हो, ठीक है। वीडियो क्रिएटर वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं, डांस वगैरह वीडियो का, स्टेटस का, खुद का डांस करते हैं, तो वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद डिजिटल क्रिएटर वो लोग कर सकते हैं, जैसे कि आप क्राफ्ट वगैरह बना रहे हो, कुछ और एडिटिंग कर रहे हो, या कोई बढ़िया क्राफ्ट का हर एक चीज़ दिखा रहे हो, बना रहे हो, सिखा रहे हो, तो वो लोग कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें मैंने बता दिया, बाकी कैटेगरी वैसे होती है ज़्यादा, जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है मैंने केवल उसको डिस्कस किया, इसको अच्छे से यूज करो, उसके बाद आप बताना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना तब बताना, ठीक है, कॉमेंट करके। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।